हेलो गाइस, हाय फ्रेंड्स, हाय। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोमोज। और ये मोमोज, जैसा कि आपको पता है कि बाहर बहुत पैंडमिक सिचुएशन से हम लोग अभी बहुत गुजर रहे हैं, तो हमें कुछ भी अच्छा खाने को बाहर से नहीं लाना होता है। और जो भी मैं बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, तो आज मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड किया है कि मैं उसे मोमोज बनाकर खिलाऊं, और मैं घर का ही मोमोज उसे बना के खिला रही हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग मोमोज कैसे बनाते हैं। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने ये मैदे का आटा गूंथ लिया है, ठीक है। और आटा गूंथ के इस तरह से बस मैदा आपको लेना है। आप जितने भी लोगों के लिए बना रहे हैं, जैसे मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो सिर्फ 1/2 kg आटा ली हूँ और उसमें थोड़ा सा नमक और इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ मैंने इसका आटा तैयार कर लिया और ठीक है, इसे ढक दिया है। कम से कम आधे घंटे के लिए हम लोग आटे को रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे। और अब मैं ये उसकी चटनी के लिए मैं टमाटरों को बॉईल करने जा रही हूँ। तो आप देखिए, मैं अभी 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करने के लिए सेट करती हूँ, फिर आपको बताती। मतलब हम अपने अनुसार जितने आदमी खाएं उतना चटनी बना सकते हैं हम। बिल्कुल, आप जितने लोग हैं घर पे, जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना देख के और टमाटर को हल्का बॉईल कर लीजिएगा, तो उसके छिलके अच्छे से उतारने में आपको आसानी हो जाएगी। अब आइए हम मोमोज के लिए पहले सब मोमोज की फिलिंग को रेडी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिया एक पत्ता गोभी, कुछ हरी मिर्ची है, लहसुन की कलियां हैं, और ये पड़ा शिमला मिर्च है। अब सारी सब्जियों को अभी तो इसमें कैबेज भी मिलता है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कैबेज नहीं मिल सकता हमें, तो जो चीज़ मुझे आसानी से मिल गई मैं उसी से बना रही हूँ मोमोज और दिखा रही हूँ। और अब आप देखिए, इन सब्जियों को हम बहुत ही छोटा छोटा चॉप करेंगे, कैबेज और शिमला मिर्च और लहसुन की कलियाँ, फिर अनियन भी थोड़ा लेंगे, और ये ग्रीन चिली, इसे भी हम अच्छे से डालेंगे उसमें। ओके, तो आइए अब हम सब्जियों को चॉप करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए इन टमाटरों को माइक्रोवेव ओवन में रखा था, अब ये अच्छे से पक चुके हैं और इसके छिलके हम लोग उतार लेते हैं। छिलके उतारने से क्या होगा, आपकी चटनी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो पहले इसके छिलके, मैं सारे छिलके 1 by 1 उतार के और इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी। आप चाहें तो छिलके ना भी उतार सकते हैं, पर छिलके उतार देने से ना चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, उसमें थोड़ा भी पीसने में इसको दिक्कत नहीं आता है, बहुत आराम से ये पीस और टेस्टी भी बहुत लगता अभी तो। हाँ, बट ध्यान आपको ये रखना होगा कि टमाटर जो है वाइट रेड रेड होना चाहिए, रेड रेड टमाटर से रस अच्छे से निकल पाता और कच्चापन बिल्कुल नहीं होता। वैसे तो हमने इसे बॉईल कर लिया है, तो ये बिल्कुल भी कच्चे अब हमें नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे टमाटरों को अच्छे से छील लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां ले रखी है, आइए इसमें हम लहसुन की कलियां, लहसुन का फ्लेवर एक्चुअली अभी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर आपको चटनी को थिक बनाना हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, जिसमें जिस पानी में हमने बॉईल किया। हाँ, या कोई और भी दूसरा पानी भी आप ले सकते हो अगर आप चाहो। और इसमें मैं डालूंगी खूब सारे, मतलब जैसे मैंने 4 टमाटर लिए तो हर टमाटर पे 2 लाल मिर्च। हाँ, ऐसे हम थोड़ा सा चूल्हे पे रख के इसे मैं हल्का रोस्ट करूंगी ताकि ये गर्म हो जाए।
जला लिया है और इन टमाटर मिर्च को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। हमारी ये मिर्च देखिए 2, 6, 8 बहुत ज़्यादा तीखी हमें नहीं बनानी है, घर की चटनी है तो घर की तरह होनी चाहिए, कुछ तीखा भी कुछ अच्छा भी चटपटा होना चाहिए, तो फिर भी थोड़ा तो तीखा रहेगा। तो हम इसमें अच्छे से मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा जीरा, जीरा भी मैं डाल देती हूँ। जीरा एक्चुअली हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हम लोगों को जीरा डालना चाहिए। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि ये जल जाए, बस हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे ताकि ये आसानी से पिस जाए। आप ये देख सकते हैं ये गर्म हो चुका है। हाँ, अब मैं इसे फटाक से निकाल के सीधा मिक्सी के जार में डालती हूँ। सीधा अच्छा सा एक पेस्ट बना लूंगी। हल्का सा जीरे की भी खुशबू आने लगी है। आप चाहें तो इसी समय इसमें नमक भी डाल दे सकते हैं, नमक आप डाल सकते हो। अभी ये गर्म है, अब हम इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। नमक भी मैं डाल ही देती हूँ, हाँ, ताकि इसका फ्लेवर। ये देखिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार आप डालें, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, वो हमारे शरीर में पानी को कन्वर्ट करता है, ब्लड को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, इसलिए नमक आप नॉर्मली डालें। अब देखिए ये मैंने इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट पेस्ट है इसका। तो ये हो गई हमारे मोमोज की चटनी तैयार, रेडी। आप चाहें तो मोमोज में हरी चटनी भी डाल सकते हैं, हरी चटनी में भी बहुत ही अच्छी, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और अब देखिए ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, मैंने इसमें नमक वमक सब डाल दिया है। अब आप देखिए ये मैंने सारी सब्जियों को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये इसमें हमने कैबेज डाला है, अनियन डाला है, कैप्सिकम डाला है। अब इन सारी सब्जियों को, और ये हमने कुछ इधर छोटा छोटा गाजर, सॉरी मैंने अदरक लहसुन लाल मिर्च, और लाल वो हरी वाली मिर्च जो रेड हो जाती है ना, मैंने वो लिया बस कलर के लिए, रेड मिर्च और ये धनिया की थोड़ी सी पत्तियाँ, इन सबको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और इन सब्जियों को भी इसमें मिक्स करती हूँ। सारी फिलिंग एक साथ पहले हम लोग तैयार कर लेते हैं। हाँ, पर फिलिंग आप बना लीजिए, बट इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक जो है सब्जियों से पानी छोड़ देता है, तो फिर आपकी सब्जियाँ बहुत ही पानी पानी वाली हो जाएगी, जो तब फीलिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसे बिल्कुल सूखा रखें, बस एक जगह पे रखें। जब हम लास्ट में उसकी पूड़ी तैयार कर लेंगे ना, मैदे की पूड़ी बना लूँगी मैं, तब इसमें मैं नमक डालूँगी लास्ट में। तो आपने सारी सब्जियों को एक साथ मिक्स कर दिया जो भी आपने चॉप किया? बिल्कुल बिल्कुल, सारी सब्जियों को मैं, इसमें आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जो आपको टेस्ट लगे वो आप डालिए कि हाँ, जैसे हम इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, पर अभी हमारे पास जो भी अवेलेबल है, हमारे पास पनीर की जगह पे कुछ मोज़रेला चीज़ पड़े थे मेरे, मैं इसे क्रश करके डालूँगी, और ब्लैक पेपर तो है ही,
अभी हमें बाहर जाना नहीं चाहिए, अभी हमें घर में ही जितना मिलता है जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप ये क्या डाल रही हैं? ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर ये मैंने डाल दिया है इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर से अच्छा एक तीखापन सा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें मोजरेला चीज भी डाल देती हूँ, थोड़ा क्रश करना होगा। मोजरेला चीज के भी टुकड़े मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा चीजी हो जाने एक से फ्लेवर डाल देगा, टेस्टी लगते है। मेरी बेटी को चीज बहुत पसंद है, हमारी बेटी चीज बहुत लाइक करती है, इसलिए मैं हर चीज में डाल देती हूँ, बच्चों के लिए अच्छी ही है। ये देखिए मैंने इसमें चीज भी क्रश कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सोया सॉस डालूंगी, पर अभी नहीं, जब मैं फिलिंग करने लगूंगी ना तब सोया सॉस डालूंगी। अभी मैं पूरी का वो मैदे के आटे का पूरी बनाऊंगी, फिर इसमें सोया सॉस और नमक डालूंगी। ओके ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा चीजी ना बनाए, हर चीज जो भी आप इसमें मटेरियल डालें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और बस वो मोटा ना होना चाहिए ताकि आपका मोटा अगर आप डालेंगे ना तो क्या होगा वो फट जाएगा, पूरी में जाने के बाद वो पूरी फट जाएगा आपका और मोमोज अच्छे से तैयार नहीं होंगे। आइए अब हम थोड़ा धनिया की भी चटनी बना लेते हैं। ये मैंने कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते लिए हैं, इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी जार के अंदर। कुछ अदरक के टुकड़े हैं, इसे भी मैं काट के डाल दूंगी। हरी मिर्ची है, इसके भी आप डंठल तोड़ लें और इसे कट कर दें। मिक्सी में डालती जाएं, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हो तो तीखा, और अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप कम डाल लिए। अभी तो मैं फिलहाल मोमोज के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ा तीखा मैं रखूंगी, और मैं इसमें नींबू भी अभी ही निचोड़ देती हूँ। ये मैंने नींबू निचोड़ दिया है, नमक भी मैं इसी में डाल दूंगी। तो मीन्स पूरा का पूरा धनिया का चटनी बना, जैसा कि आपने वीडियो में बोला था शुरू में। तो ये नींबू मैंने छोड़ दी, अब मैं इसी में नमक डाल दूंगी। एक्चुअली नमक और नींबू ये सारे चीज डाल लेने से क्या होता है ना, इसका कलर बिल्कुल ऐसे बरकरार है, सारे चीज आपके ग्रीन ग्रीन दिखेंगे, चटनी का कलर खराब नहीं होता है और कलर बहुत ही अच्छी बनी। तो आप मोमोज के बाद फिलअप को और रेड चटनी और ग्रीन चटनी बना के फिर आप मोमोज का वो बनाएंगी, बैटर पूरी तैयार कर। यस बैटर तो मैं बना चुकी सारा, इसमें आप क्या डाल रही हैं? इस पे मैं फिर से जीरा डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं जीरा बहुत ही यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे जीरे का फ्लेवर। इसमें आप पानी क्यों डालते हैं? पानी डालते हैं ताकि ये अच्छे से पीस पाए, अगर आप पानी नहीं डालोगे तो बहुत। अब आप इसे पीसेंगे। तो ये देखिए मैंने मोमोज के लिए हरी चटनी भी तैयार कर ली है और ये रेड चटनी। अब आइए हम लोग इसका इसकी पूरी बनाते हैं। आप जैसा कि आपने देखा था कि मैंने पहले ही मैदा आटा तैयार करके रख लिया था, अब मैं इसे इसकी लोई बनाऊंगी। इसे अच्छे से
ये बहुत अच्छे से देखिए हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी देर 20 से 30 मिनट्स ये रेस्ट कर चुका है। अब ये अच्छे से इसका एक रोल तैयार करूँगी। अब स्टेप बाय स्टेप बताइए हमें कैसे बनाएंगे इसका? रोल तैयार करेंगे हम, रोल तैयार करके और इसे इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करके और रोल तैयार करने से होगा क्या कि आपकी पूड़ियाँ जो है बिल्कुल इक्वल शेप की बनेंगी, छोटी या बड़ी नहीं बनेंगी। ओके अब दिखाइए, मतलब इसे पूरा लंबा कर देना है। इसकी बहुत ही पतली पतली पूड़ियाँ हमें बनानी होती है, मोटी अगर आप रखिएगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा। पहले मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी फिर इसकी फिलिंग शुरू करूँगी, क्योंकि अगर मैं फिलिंग के लिए अभी डाल दूँगी उसमें नमक, इसकी फिलिंग में मैं नमक डाल दूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देगा और फिर आगे हमें कट फिलिंग करने में दिक्कत होगी। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है तो सारे एक तरह का कट हुआ है, आप देख सकते हैं सारी कटिंग एक तरह की है तो पूड़ियाँ एक साइज़ की बनेंगी। आप बहुत बड़ी बड़ी ना बनाएं, छोटी छोटी पूड़ी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, अब मैं पूड़ी भरने वाली हूँ। तो देख रहे हैं आप मैंने कुछ पूड़ियाँ यहाँ पे बना के और रख ली है, तो अब मैं इसमें थोड़ा नमक डाली और ये अब मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए सोया सॉस डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, एक्चुअली सोया सॉस भी हल्का सॉल्टी होता है इसलिए नमक अपने हिसाब से डालिए। अब मैं इस फिलिंग को एक अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे फिल करने के लिए आपको पहले तो इसे अच्छे से आप मिला लें और एक चम्मच से मेज़र करें, एक स्पून ले लें उससे अगर आप मेज़र करेंगे ना तो हर में बराबर से सब्जियां आपकी जाएगी और बिल्कुल एक तरह का पूरी तैयार। ओके देखिए नमक डालते ही इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं फटाफट सारे में फिलिंग कर लूँगी, ये देखते हैं कैसे फिलिंग करती हूँ। ये हो गई, एक स्पून डाला। पूड़ियाँ आपकी बहुत ही पतली होनी चाहिए और ये मैंने इसके चारों तरफ जो है पानी लगा दिया। पानी के साथ इसे मैं चिपकाऊंगी यूँ, पानी से आप ऐसे करें और इसे मुंह बंद कर दें। उसको कवर करना, गुजिया की तरह आप इसे कवर कर लें, गुजिया की तरह बना लें। बट इस ये हम लोग मोमोज बना रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगी ना ये दोनों कॉर्नर पे पानी का यूज़ करके और इसे एक दूसरे के साथ चिपका। ओके आप चाहें तो बना सकते हैं वो ऐसे प्लेट्स करके जो बनते हैं ना आटे में, उस तरह के भी बना सकते हैं पर उसमें और भी ज़्यादा टाइम जाता है। आप तो जानते हैं मोमोज बनाने में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, सो ऐसे ऐसे भी बन जाते हैं, बस खाना में अच्छा टेस्ट होना चाहिए जी। और बहुत ज़्यादा फीलिंग आप ना करें, अगर आपकी फीलिंग आपको ज़्यादा लग रही है आपके पूड़ी के अकॉर्डिंग तो उसे थोड़ा कम कर दें, नहीं तो वो फट जाए। और आज एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, मैं ना दो तरह से मोमोज बनाऊंगी, एक हल्का क्रंच आएगा उसमें जब आप खाओगे तो आपको लगेगा नीचे में थोड़ा थोड़ा क्रंच रहेगा। मैं उसमें ऑयल नहीं डालूंगी, डीप फ्राई भी नहीं करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इस तरह से कुछ पूड़ियां तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ऐसे सारे पेड़े में फिलिंग कर ली है अपनी, और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे क्रंची वाला बनाते हैं। क्रंची वाला मोमोज बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में हल्का सा ब्रशिंग करेंगे ऑयल की, रिफाइन
रिफाइंड ऑयल, इसमें ब्रशिंग कर दीजिए आप। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस इतना कि वो नीचे का जो उसका सरफेस होता है ना मोमोज के नीचे के सरफेस हल्का सा रेडिश रेडिश हो जाए। ये हल्का गर्म हो चुका है और ये मैं डाल देती हूँ नीचे और इसे बिल्कुल धीमे आंच पे हम सिझाएंगे, ठीक है। जितना आपका जाता है, अगर आप ये खाना चाहते हैं तो ये आज मैं पहली बार बना रही हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जितना आप लोग खाना चाहते हैं इसमें डालें। देखिए हमने डाल दिया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करना नहीं तो नीचे से वो जल जाएगा। अब आइए हम लोग भाप वाले बनाते, स्टीम देते हैं इसे। स्टीम के लिए भी हम एक पतीला चढ़ाएंगे पानी वाला। हाँ, जिसके पास स्टीमर है वो तो अपना स्टीमर में कर ले, पर जिसके पास स्टीमर नहीं है उनके लिए इस तरह का एक चलनी दे आप, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि आप ताकि आपका मोमोज जो है अच्छे से सिझ सके, पक सके। और इसे भी हम ब्रशिंग ऑयल से ब्रशिंग करते हैं। ओके, और ये हम पानी के ऊपर रख देंगे ताकि पानी का भाप जो है अच्छे से इस पर लगे। और ये तो इधर गल ही रहा है, अब हम और कुछ पेड़िया मेरी बच गई है ये देखिए, देखती हूँ अब इसकी क्या हाल है। वाह, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा सबने गोल्डन कलर लिया है। अब पर ये अभी पूरी तरह से सीझा नहीं है, ये नीचे से पक चुका है, सबने अच्छा सा कलर ले लिया है। अब देखिए इसमें जो है मैं थोड़ा अब इसे हाँ अब जो है इसे इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, डायरेक्ट ही डाल रही हूँ मैं, ये डायरेक्ट ही पानी डाल रही हूँ और इसे हमने पूरी तरह से इसके साथ कवर कर दूँगी ताकि ये पूरी तरह से इसी में सीज जाए, पक जाए, डायरेक्ट पानी को वो टच कर दे। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसी तरह से ये स्टीम लेता रहेगा, तब तक ये देखिए इधर भाप वाला भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसमें रख रही हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं ये क्रंची वाले का क्या हाल है। वाह, देखिए अब मैंने इसमें पानी डाला था, अब ये सारा पानी सोख चुका है और बिल्कुल अच्छी तरह से सिज गया है। देखिए, ओह वाह, व्हाट अ नाइस कलर। ये देखिए मैं इसे टर्न करके दिखा रही हूँ, देखिए आप इसमें ऐसे ब्राउन कलर आ चुका है। ये जब आप खाएंगे ना तो क्रंची क्रंची नेस भी देगा और ये सॉफ्ट है बिल्कुल। वाह, आइए अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब ये खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। और वो जो आपने प्लेन वाला बनाया था इसे ये भी हम देख लेते हैं। और ये देखिए इसके भी साइज कितने बड़े बड़े हो चुके हैं पक जाने के बाद। वाओ, काफ़ी अच्छे से ये हमारा मोमोज स्टीम मोमोज भी रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं हरी चटनी और रेड चटनी।